किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जहां कमल की खेती होती है। इसे लोटस वैली के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल प्रकृति की गोद में यह इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसका पिछले दिनों सैलानियों के जाने से संख्या में भी इजाफा हुआ है और अब सरकार इसे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करने की तैयारी में है। इंदौर जिले के गुलावट में होने वाली कमल की खेती को देखते हुए इसे लोटस वैली के रूप में पर्यटन केंद्र की तरह विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उद्यानिकी विभाग के साथ योजना बनाकर काम किया जाएगा। यह फैसला शुक्रवार को कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने गुलावट के दौरे के बाद लिया। जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा भी इसमें मौजूद थी। 25-20 मिनट के रास्ते पे एक इतनी नैसर्गिक स्थान, इतना सुंदर स्थान जो बेसिकली आसपास कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है गुलावट क्षेत्र को एक बहुत बड़े टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप करने की। इसी दिशा में, इसी इन्हीं प्रयास को बढ़ावा देने के लिए आज हम लोगों ने जॉइंट विजिट यहाँ पे प्लान किया है कि इस पूरे एरिया को इस तरह से प्लान किया जाए कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और जो पर्यटक हैं उनको विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त हो सके। जी, अभी बिना कुछ किए भी जिस स्वरूप में ये स्थल है, एक बहुत ही अच्छा आइडियल लोकेशन है वेडिंग फोटोशूट के लिए और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे कपल्स यहाँ पर आ रहे हैं। और जब हमने अपनी प्लानिंग की है टूरिज्म की, तो उसमें ये एलिमेंट भी शामिल किया है कि हम किसको कैसे एक बहुत ही अव्वल दर्जे का प्री वेडिंग शूट रूप के में, स्थल के रूप में हम लोग विकसित करें, इसकी भी प्लानिंग करें। वो अपने आप नेचुरल बिल्ट यह जगह है और माननीय कमलनाथ जी का सोच है कि लोगों को रोज़गार कैसे मिल सके, टूरिज़म के माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट भी कैसे हो सके और लोगों को रोज़गार कैसे मिल सके। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल कमलनाथ जी की सरकार ने करी है, टूरिज्म घोषित हुआ है टूरिस्ट प्लेस और काफ़ी लोग यहाँ सैटरडे संडे के दिन काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ के जितने संपूर्ण 3 से 4 गांव ऐसे हैं जो हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से रोज़गार मिला है। तो ये जो नेचुरल ब्यूटी है उसको और कैसे हम निखार सकें, कैसे लोगों को रोज़गार हम बढ़ा सकें, इस पर विचार चल रहा है और निश्चित तौर पर आते हुए समय में एक पर्यटक अच्छा घोषित होता है।